A die is thrown three times. Find the probability of getting a sum of at least 16. देखो एक die को आप three times toss कर रहे हैं, तो total outcomes तो की हम बात कर लेते हैं पहले. Total outcomes ये कितने हो जाएंगे? देखो तीन यहाँ पे, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी. तो 6 cube यानी 216 ये हो गए. और हम बात करें सम की अगर, तो देखो मैक्सिमम सम तब हो सकता है जब तीनों पे 6 आए यानी 18. तो आपको बोला गया सम की वैल्यू एटलीस्ट 16, मतलब सम क्या हो सकता है 16, 17 या 18. क्लियर? ये हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो पहले मैं बात कर ले रहा हूँ 18 एक ही केस में है जब तीनों 6, 6, 6 हो जाए, यानी ये इस केस में कितना हो जाएगा, एक केस है और टोटल है अपने पास 216. प्रोबेबिलिटी सम 17. देखो ये कब होगा, जब दो बार तो 6 आए, एक बार 5. अब ये डिपेंड करेगा 5 फर्स्ट टॉस पे आया, सेकंड पे आया कि थर्ड पे आया. तो तीन पॉसिबिलिटी हो गई, तो 3/216. क्लियर? और सम 16 की बात कर रहे हैं, देखो सम 16 किस किस केस में आ सकता है, 6, 6, 4. ये ऐसे तीन केस बनेंगे क्योंकि 4 फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे किसी पे आ सकता है. और किस केस में सम 16 आ सकता है आपका, अगर आपके पास 5, 5, 6 हो जाए, इस केस में भी सम 16. और ऐसे भी आपके पास टोटल कितने केस बन रहे हैं, 3 केस बनेंगे, और कोई केस पॉसिबल है नहीं. तो आपके पास टोटल 16 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, 3+3, 6/216. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इन सबका एडिशन, 6+3+1, 10/216. 2 से कैंसिल करना इसे, 5/216 यानी 108. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर.